नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अब तक उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि बीजेपी अपने विपक्षी दलों से तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। राज्य के चुनावी दंगल को पता करने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इन्हीं तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। इस बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के भी कई दिग्गजों ने वर्चुअली बैठक में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ साथ पार्टी के तमाम पदाधिकारी वर्चुअली बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं बैठक का एजेंडा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की रणनीति का ताना बाना बुनना था, और ऐसे में उत्तराखंड को फतह करने के लिए एक बार फिर से मंथन और चिंतन हुआ। केदारनाथ में 400 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास हुए। हमको ऑल वेदर रोडें जिस प्रकार से तेजी से काम कर रही हैं, रेल योजनाएँ, हमारी हवाई कनेक्टिविटी हर क्षेत्र में, और अभी आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने एक विजन उत्तराखंड के लिए दिया है कि ये जो हमारी तीसरा दशक है, 20 से 30 का दशक, ये उत्तराखंड का दशक होगा। लेकिन हम लोगों ने जो रणनीति बनाई, उस रणनीति के अनुसार कुछ विधानसभा हमने चिन्हित किए हैं। उन विधानसभाओं में अलग से प्रत्येक विधानसभा के लिए एक इंचार्ज जो बाहर से आएंगे, वो हम विशेष रूप से, जो विधानसभा हमारी हमने 2017 के आंकड़े उठाए हैं, हमने विधानसभाओं को कैटेगरी में बनाया है। ऐसी विधानसभाएं जो हमने बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, जो मीडियम से जीती है, जो कम मार्जिन से जीती है, सारी कैटेगरी बना के हमने अलग भी इस प्रकार कुछ विधानसभाएं चिन्हित करके अलग अलग बाहर से कार्यकर्ताओं को हम जिम्मेदारी देंगे। एक और जहां बीजेपी चुनाव को भारी बहुमत से जीतने का दम भर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जनहित के मुद्दों के सहारे सरकार पर वार कर रही है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, लोकायुक्त जैसे कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस देवभूमि के दंगल को फतह करने का ख्वाब संजो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस पर राज्य की जनता को ठगने का आरोप लगा रही है। बिल्कुल स्पष्ट है, बेरोजगारी कांग्रेस की निगाह में सर्वोच्च मुद्दा है। राज्य की आर्थिक स्थिति भी सर्वोच्च मुद्दा है। बढ़ती हुई महंगाई और जनता के चूल्हे पर और पेट पर पड़ रही मार, ये भी सर्वोच्च मुद्दा है। ठप पड़ा हुआ विकास, डबल इंजन का रद्दी स्ट्रक्चर, ये भी एक बड़ा भारी मुद्दा है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, और जन कल्याण की जितनी योजनाएं थी जिनको इस सरकार ने बंद किया है, वो भी एक मुद्दा है। और उसके अलावा जो इस राज्य के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो कुंभ में हुआ हो, चाहे NH में हुआ हो, चाहे कर्मकार रोड में हुआ हो, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुए हैं, वो भ्रष्टाचार भी हमारे निगाह में एक बड़ा भारी मुद्दा है। हम और इन्होंने हमारे कांग्रेस के समय में जो हमने लोकायुक्त का गठन कर दिया था, उसको गवर्नर के वहाँ रुकवाया है, वो भी एक मुद्दा है। जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी का, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी के नाम पे एक बड़ा चेहरा हो, लेकिन इस बड़े चेहरे का उत्तराखंड करेगा क्या? क्योंकि जब ये उत्तराखंड आते हैं, उनके नाम पर यहाँ के जो लोकल विधायक हैं या जो वर्तमान सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरह वो फेल हो चुके हैं इस टर्म में। और जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस तो चुनाव में कहीं पर भी नहीं है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के चुनावी दंगल को जीतने के लिए सभी दल अपनी अपनी रणनीति का ताना बाना बुन रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में बीजेपी का इस बार 60 के पार का नारा होगा कामयाब, या फिर कांग्रेस मारेगी मैदान? देहरादून से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सागर बिष्ट के साथ सुभाष गौड़ की रिपोर्ट।
कांग्रेस आने वाले 10 नवंबर को हल्द्वानी से विजय संकल्प शंखनाद कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही थी, जिसमें यशपाल और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया था। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस कार्यक्रम स्थल से कुछ ही दूरी पर सीएम का कार्यक्रम रख दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सीएम के कार्यक्रम के चलते कांग्रेस के कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए कहा। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने इस पूरे घटनाक्रम को तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि इसके विरोध में 10 नवंबर को एक घंटे का उपवास रखा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और जिला पंचायत उपाध्यक्ष चमोली लक्ष्मण सिंह रावत के पार्टी को दिए गए इस्तीफे के बाद अब उनके समर्थकों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी से सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष के नाम चेतावनी पत्र भेज दिया है। उन्होंने पत्र में मांग की है कि जल्द ही लक्ष्मण सिंह रावत का इस्तीफा स्वीकार कर उन्हें पार्टी में सम्मान दिया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी और उनके पति राजेंद्र सिंह भंडारी और जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत के बीच पिछले दिनों हुए आरोप प्रत्यारोपों के घमासान के बाद लक्ष्मण सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी से अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया था, जिस पर अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। यही कहना चाहूंगी कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं श्री गोदियाल जी, मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि अगर उनका इस्तीफा मंजूर किया जाता है तो हम भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि मगर सारे हमारे कोटलीवाड़ के युवा, हमारे पूरा नारायणगढ़ ब्लॉक लक्ष्मण रावत के साथ है और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उठाने का काम किया है। आज हमने यहाँ पे विकासखंड में जो बैठक आहूत की गई थी, इसमें हमारी जो वर्तमान में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे भाजपा सरकार द्वारा जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उस संबंध में हमने एक बैठक आहूत की थी। मुझे लगता है कि ये एक साजिश है जिसके तहत हमारे कांग्रेस संगठन को बदनाम किया जा रहा है। और कांग्रेस में जो हमारे यहाँ पे जिला अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत उपाध्यक्ष के बीच जो विवाद है, उसकी वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष ने प्रदेश संगठन को अपना इस्तीफा दिया है। सर, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे विगत कुछ दिनों से माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय के बीच में एक विवाद चल रहा है, जिसके कारण उन्होंने अपना कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है उपाध्यक्ष जी ने। तो उपाध्यक्ष जी के संबंध में, चूँकि वो कोटलीवाड़ के सम्मानित जिला पंचायत सदस्य भी हैं और वहाँ के समस्त युवाओं ने हमारे माध्यम से श्री गणेश गोदियाल जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गिरीश कंडवाल जी के माध्यम से एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने कुछ बिंदु रखे हुए हैं, अपनी कुछ बातें रखी हुई हैं के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश शीर्ष नेतृत्व तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे पिंडर की आवाज़ माननीय उपाध्यक्ष जी है और हमारी रीढ़ की हड्डी भी हैं। हम आज की डेट में वो पब्लिक के बीच में कांग्रेस के लिए कार्य करते आए हैं और कांग्रेस को मजबूती का काम कर रहे हैं। और अगर उनके खिलाफ माननीय कैबिनेट मंत्री जी राजेंद्र भंडारी जी अगर उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो हमें विवश होना पड़ेगा कि उनके खिलाफ हम आवाज उठाएं। प्रदेश के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाले शारदानाथ घाट का शिलान्यास किया। श्रीनगर में बनने जा रहे इस घाट को नमामि गंगे के तहत बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बनारस और हरिद्वार में बने घाटों की तर्ज पर इस घाट का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2013 की आपदा में शारदानाथ घाट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से ही स्थानीय लोगों की तरफ से इसके पुनर्निर्माण के लिए मांग की जाती रही है। पहले तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि 3.5 करोड़ रुपये की लागत से ये शारदानाथ घाट बनेगा और बहुत स्मार्ट ये घाट बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। जो जो मुझे गंगा सभा के लोगों ने कहा है उसके अनुरूप हम इसको बना रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि हरिद्वार में जो हम गंगा आरती करते हैं, जो ऋषिकेश में करते हैं, जो हम बनारस में करते हैं, वैसे जो है गंगा आरती श्रीनगर में होती थी, लेकिन 2013 की आपदा से पूरा घाट बह गया था। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि लगातार 2013-14 की भीषण आपदा से जो यहाँ का एक पौराणिक सादा घाट था वो जलमग्न हो गया था। और लगातार स्थानीय लोगों की और स्थानीय जिन्हें जनप्रतिनिधि सभी लोगों की एक मांग थी कि इस घाट को पुनः
इसकी स्थापना की जाए और विकास पूर्व डॉक्टर धन सिंह रावत जी के अथक प्रयास के बावजूद आज नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 3.5 करोड़ की लागत से एक ये विकास कार्य का शुभारंभ हुआ है और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए श्रीनगर शहर के लिए एक ऐतिहासिक सौगात है। और चमोली में गढ़वाल सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को मिलकर योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। सांसद ने केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, वैकल्पिक ऊर्जा आदि योजनाओं की विस्तार से प्रगति समीक्षा भी की। एक तो गत समय जो बैठक थी उसमें जो काम चिन्हित हुए थे उनके समीक्षा, उनके काम हुआ कि नहीं हुआ, एक तो वो रहा। मैं कह सकता हूँ कि जो पिछली बार बैठक में विषय आए थे विकास से संबंधित हर विभाग के, उसमें प्रगति हुई है और काम बहुत सारे हल हुए हैं। आगामी योजनाएं, वर्तमान की योजनाएं भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार के लिए सभी विभागों, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, इन सब पे विस्तृत चर्चा और एजुकेशन, ये सभी विषयों पे रही है, खाद्यान्न को लेकर रही है। और मैं कह सकता हूँ कि इनकी जो रिपोर्ट ली है और जो एक जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे थे उनके द्वारा भी बातचीत में आया है, तो कुछ चीज़ें रही कि जो कार्य प्रगति होनी है और उन पर मैंने निर्देशित किया है। सितारगंज में तहसीलदार के जरिए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। आपको बता दें तेजेंद्र सिंह माटा ने कहा कि एक अखबार की तरफ से छापी गई खबर में खुलासा हुआ है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से गरीबों असहायों को दी जाने वाली सहायता उनको न देकर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देते हुए बंदाबाद कर रही है, जो कि बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। कोरोना काल से गरीब मजदूर की कमर टूट चुकी है और आज भी प्रदेश की आम जनता आर्थिक रूप से काफी संकट से जूझ रही है। तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसको हमने राज्यपाल जी को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें ये हमारी मांग की गई है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से जो आर्थिक सहायता गरीबों को दी जानी चाहिए उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसमें बंदरबांट की जा रही है। जिसको सहयोग देना चाहिए उसको सहयोग ना मिलते हुए ये बंदरबांट इस प्रकार से की जा रही है कि जो सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से आती है ये आपस में बांट ली जाती है, खाली कार्यकर्ताओं के परिवार तक ही ये चीज़ें सीमित रहती हैं। जिसको मदद है, जिसको सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ तक ये मदद नहीं पहुँच पा रही है। भाजपा सरकार इस तरीके से सत्ता के नशे में चूर हो गई है, जो बिल्कुल अंधेपन पे उतारू हो चुकी है। जिसको मदद करनी है वहाँ मदद नहीं करनी है, जो पूर्ण रूप से सक्षम है वहाँ जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आपस में इस चीज़ की धांधलेबाजी कर रहे हैं। तो आज हमने तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमारी ये मांगी गई है कि इसकी जाँच हो और CBI जाँच हो और जो इसमें दोषी पाए जाए पूर्ण रूप से उनके ऊपर कार्रवाई बनती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में अग्रणी विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव टोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में विराजमान हो गई है। शीतकाल के 6 महीनों तक बाबा केदार की पूजा अर्चना यहीं पर संपन्न होगी। डोली के शीतकालीन गद्दी स्थल आगमन पर हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों ने बाबा केदार का भव्य स्वागत किया। केदारनाथ धाम के पुजारी शिव शंकर लिंग ने बताया कि कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ में देवता केदार बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और आज से भगवान केदारनाथ की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू होगी। जो पूजा हिमालय केदारनाथ में होती थी वही पूजा यहां पर की जाएगी। जी का समाधि पूजन होता है, भगवान शिव भस्म समाधि से विभूषित होकर के 6 माह के लिए समाधि में लीन हो जाते हैं इस विश्व के कल्याण के लिए। और भगवान की जो भोग मूर्ति है, चल विग्रह मूर्ति है, विभिन्न पड़ावों से, प्रथम पड़ाव रामपुर में, द्वितीय पड़ाव काशी विश्वनाथ के दिव्य मंदिर में होते हुए आज अपने मठ उषा मठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। और आज से भगवान श्री केदारेश्वर जी की जो शीतकालीन पूजा है इस दिव्य मंदिर में प्रारंभ हो जाएगी। और जो नित्य जो भगवान केदारेश्वर जी की हिमालय में पूजाएं संपन्न होती थी आज से वो पूजाएं इस
मानधाता क्षेत्र के उषामठ ओमकारेश्वर मंदिर पंच केदारेश्वर गद्दी स्थान वैराग्य पीठ में प्रारंभ हो चुकी हैं और सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपने दिव्य जीवन को सफल बनाने के लिए इस शीतकालीन गद्दी स्थान में आकर के श्री केदारेश्वर के दिव्य पावन चरणों के दर्शन करके अपने जीवन को पुनीत करें, पावन करें। जय श्री केदारेश्वर। नैनीताल उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली महिला तान्या त्रिपाठी कांडपाल ने जर्मनी में रहकर भी उत्तराखंड की संस्कृति को नहीं छोड़ा। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए विवाहित महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं ये कहा और कहा कि अगर मन में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो वो जरूर पूरी होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नैनीताल की बहू तान्या त्रिपाठी कांडपाल ने, जिन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता में फर्स्ट रनर अप का खिताब अपने नाम कर लिया है और नैनीताल और प्रदेश का नाम रोशन किया है, जिस पर तान्या त्रिपाठी कांडपाल को लेक सिटी वेलफेयर क्लब की ओर से भी सम्मानित किया गया। तो ये जो प्रतियोगिता है इसका नाम है हॉट बॉन मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड और ये जो पैजेंट है ये अपने में एक बहुत अनोखा पैजेंट है क्योंकि आपने फेमिना मिस इंडिया के बारे में तो बहुत सुना होगा लेकिन ये एक अनोखा ब्यूटी पैजेंट है जो कि मैरिड लेडीज़ के लिए, विवाहित महिलाओं के लिए ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइज कराता है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि शादी के बाद हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है बट असली शुरुआत वहाँ से होती है। जो ये पैजेंट था ये दुबई में हुआ था 19 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक और इसमें 26 देशों के औरतों ने भाग लिया था। ऋषिकेश में गंगा की स्वच्छता को लेकर लगातार केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन कार्यक्रम के तहत ऋषिकेश में गंगा मशाल यात्रा का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई और गंगा टास्क फोर्स के कमान अधिकारी कर्नल रोहित श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर किया। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा मशाल यात्रा के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि नगर निगम की महापौर पहुंची और इस दौरान आर्मी के 137 टेक्नोलॉजी टास्क फोर्स को हरी झंडी दिखाकर गंगा सागर के लिए रवाना किया गया। पर्यावरण की दृष्टि से इसके साफ सुथरे करने के लिए एक मशाल यात्रा आज से प्रारंभ हो रही है जो गंगा सागर तक जाएगी ऋषिकेश से प्रारंभ हो रही है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ हो रही है हालांकि इसका शुभारंभ जी ने किया था लेकिन ये यात्रा चूँकि ऋषिकेश से गंगा सर तक जानी है तमाम मेरे मिलिट्री के जितने भी हमारे इसमें लोग आए हैं अन्य लोग आए हैं मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ और नमामि गंगे के बारे में जानते हैं जिस प्रकार से महत्वाकांक्षी योजना ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री की रही है और ये उसी प्रकार से 23 तटीय इलाकों में ये यात्रा जाएगी। इससे जहाँ पर्यावरण की दृष्टि से जागरूकता की दृष्टि से ये पूरी होनी है मैं तमाम इसके जितने भी इसके सहयोग करने वाले लोग हैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ और सभी से प्रार्थना करूँगा माँ गंगे हमारी सबकी माँ है और मैं एक बात कह सकता हूँ कि दुनिया में यदि कोई साक्षात देवी है तो माँ गंगे है और जो ऋषिकेश से आगे बढ़ती है ये हम सबका सौभाग्य आप जानते ही हैं इसलिए माँ गंगे को हम साफ सुथरा रखें ये माँ गंगे अविरल बहे स्वच्छ बहे यही मेरी कामना है और धन्यवाद कर रहा हूँ मोदी जी का और तमाम हमारे जल शक्ति मंत्री शेखावत जी का और अन्य तमाम उन नेताओं का जिन्होंने इस योजना को प्रारंभ किया। ये यात्रा आज से आरंभ हुई है और इस महीने की 26 तारीख को इसका अंत है। शुरुआत ऋषिकेश से है और अंत गंगा सागर वेस्ट बंगाल में जाके होगा। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरी जनसंख्या गंगा के तट में जो बसी हुई है उसको एकत्रित करना, उसको जागरूक करना और उसको पॉल्यूशन के अगेंस्ट सूचित करना। इसकी ओर से अपने पूरे इस क्षेत्र की ओर से अपने पवित्र इस मशाल का गंगा महाउत्सव का बहुत बहुत स्वागत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी से क्षेत्रवासियों से अपील भी करती हूँ कि हम सभी को अब सजग होना पड़ेगा और प्रण लेना होगा कि अपने पर्यावरण को अपनी माँ गंगा को हमको किस प्रकार से बचाना है। सुरक्षा रुड़की में टोल टैक्स भगवानपुर पर कार्यरत दो युवकों की एक्सीडेंट में 20 दिन पहले मृत्यु हो गई थी जिसको लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने टोल टैक्स पर जाकर मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के मुताबिक टोल प्लाजा भगवानपुर में कार्यरत दो युवकों की टोल प्लाजा के पर काम से किसी अधिकारी के साथ मेरठ जाने के दौरान एक्सीडेंट में मौत हो गई थी लेकिन मृतकों के परिजनों को टोल प्लाजा भगवानपुर की ओर से कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया था जिसको लेकर भाकियू कार्यकर्ता टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए हैं। 2 साल से हमारे दो लड़के हिमांशु प्रियांशु था ना प्रियांशु और जसनदीप
दो साल से यहाँ सुपरवाइजर की पोस्ट पर नौकरी कर रहे थे और नौकरी करते समय 4 बजे से और उनकी ड्यूटी थी, वो ड्यूटी टाइम में ही टोल वाली गाड़ी लेकर और मैनेजर उनके साथ गया, पता नहीं वो कहाँ गए, एक्सीडेंट में वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो हम इसमें 15-20 दिन बाद हमने एक चिट्ठी, हाँ एक लेटर भारतीय किसान यूनियन क्रांति की ओर से दिया कि भाई आप हमारे इन बच्चों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर दें। वो इन्होंने पूरी तरह से हमारा लेटर भी नहीं पकड़ा और ये कहा कि हम कुछ नहीं देने के, ना हमारे पास कुछ है देने के लिए। तो हमारे एक क्षेत्र में एक टोल लगा हुआ है, ये करोड़ों करोड़ों रुपए हमारे से कमा रहे, तो क्या इनका यही दायित्व बढ़ता है? एक्सीडेंट में गुजर गए थे, मर गए थे, तो उनके लिए भाई एक तो मुआवजा दे दो, उनकी मदद कर दो, उनकी बेचारों को क्या खता करी, वहाँ से एक्सीडेंट मर गए, इन्हीं के काम गए थे, इनकम जो कंपनी के काम गए थे वहाँ से, तो उसके विषय में यहाँ से वार्ता चल रही। सर टोल के कर्मचारी कहना है हम भारतीय किसान यूनियन बहुत के में पहले बताते हैं, हम आज ही जानकारी साहब ने भी आज ही बताया, अगर इनकी पहले तो वार्ता हो रही थी, हमारी कोई वार्ता नहीं पा रही, हमारी वार्ता तो जो कुछ होगी आज होगी, अगर हमारी वार्ता हो जाती तो हम यहाँ नहीं आते। हरिद्वार महाकुंभ मेले के दौरान हुए कुंभ कोविड टेस्ट घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी टीम ने दोनों मुख्य आरोपियों पर शरद पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और हल्द्वानी में कुंभ मेले के दौरान कोरोना जांच के संबंध में घोटाले का एसआईटी टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें बीते जून महीने में हरिद्वार कोतवाली में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले के एसआईटी की टीम लगातार जाँच कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं महाकुंभ 2021 में एक घोटाला प्रकरण सामने आया था जिसमें कि कुछ फर्जी टेस्टिंग के नाम पर बिल जनरेट किए गए थे और सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच के बाद जो तत्कालीन यहाँ पर सीएमओ थे उनके द्वारा एफआईआर कायम की गई थी, तो इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं उनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये जो सारा प्रकरण है ये बेसिकली फिक्टिशियस आइडेंटिटी जनरेट करके एक काल्पनिक टाइप के नाम जनरेट करके और उनकी टेस्टिंग दिखा के उनके बिल प्रस्तुत करने का ये मामला था। तो इन 2 गिरफ्तारियों के साथ इसमें एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। आगे कुछ और नाम भी इसमें प्रकाश आए हैं जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन दोनों लोगों की? इनकी नोएडा से गिरफ्तारी की गई है। क्या इनके आवास से ही गिरफ्तारी है? इनके नोएडा में एग्जैक्ट मेरे को अभी लोकेशन पता नहीं, लेकिन नोएडा से इनकी गिरफ्तारी, चूँकि कोटकी के वारंट हो चुके थे, चस्पा भी नोटिस किए गए थे, लेकिन काफ़ी समय बाद इनकी गिरफ्तारी हो पाई, इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी जो 2 वजह हैं, एक तो जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, तो डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस में इसको इसकी कड़ियों को जोड़ने में थोड़ा निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरणों में समय लगता है। दूसरा ये कि इसके जो संबंधित अभियुक्त हैं ये समय समय पर माननीय न्यायालयों के पास जाते रहे हैं और माननीय न्यायालयों से समय समय पर इसमें निर्देश भी प्राप्त होते रहते थे, इसके कारण पुलिस उन जो प्रकरण है न्यायालय के संबंध जो लंबित प्रकरण थे उनके ख़त्म होने का इंतजार कर रही थी। और जब ये एक बार क्लियर हो गया कि इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन या इस प्रकार की कोई अभी बाउंडेशन नहीं है तो फिर इसमें कार्रवाई की। चूँकि 2 गिरफ्तारियां हुई है, एक पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी और कितने लोग हैं जिनके नाम इस सारे मामले में आ रहे हैं? अभी 5 लोग अभी हमारे टारगेट पे आ गए हैं जिनके की इस प्रकरण में संलिप्तता शामिल पाई जा रही है, उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे एविडेंस के आधार पर, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं वो यही। लक्सा के कुआखेड़ा गांव में पशुपालकों के पालतू पशुओं में अचानक बीमारी फैल जाने से पशुपालकों के घरों का माहौल गमगीन हो चुका है। कुछ ही समय में भारी संख्या में पशु बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। जैसे ही मामले की सूचना लक्सा पशु स्वास्थ्य विभाग को लगी तो लक्सा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र अपनी टीम के साथ कुआखेड़ा गांव पहुंचे और उनकी तरफ से गांव में पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पशु स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर पशुओं के स्वास्थ्य का निरीक्षण किया, लेकिन ये साफ नहीं कर पाए कि पशुओं में जो बीमारी फैली है वो आखिर है क्या। वहीं आपको बता दें लक्सा पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्सा वीरेंद्र ने बताया कि उनकी तरफ से कुआखेड़ा गांव में पशु चिकित्सा शिविर लगाया गया है। हमने जो यहाँ पे कैंप लगाया है, कुछ पशु में मुंह में छाले पड़े हुए हैं, मुंह से पानी आ रहा है और पैरों में भी छाले पड़े हैं, उसके लिए हम दवाइयाँ वितरित कर रहे हैं। यहाँ पर पशुओं को देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं पशुओं की। ऐसा लग रहा है कि कुछ पशु बताया गया कि बाहर से आए हैं यहाँ पर, हो सकता है उनके द्वारा कुछ इन्फेक्शन गाँव में लाया गया हो, और ये तो अभी ब्लड सैंपलिंग वगैरह करेंगे यदि बीमारी ठीक नहीं होती है तो।
उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बीमारी क्या है। उत्तराखंड की 5 प्रमुख हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हेस्को प्रमुख पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को प्रदूषण, जबकि पर्यावरणविद कल्याण सिंह और डॉक्टर योगी एरन को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया। इसके अलावा मंगलवार को चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह और किसान प्रेमचंद शर्मा को पद्मश्री सम्मान देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, हेस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी का पर्यावरण परिस्थिति की और ग्राम्य विकास से जुड़े मुद्दों और नदियों को बचाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित उन्हें किया गया। तराई पूर्वी वन प्रभाग डोली रेंज के क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को पकड़ा है। आपको बता दें, इससे तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में वन माफिया के बड़े स्तर पर सक्रिय होने की भी पुष्टि हो चुकी है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि तराई पूर्वी वन प्रभाग के प्रभागीय वन अधिकारी संदीप कुमार के निर्देश में डोली रेंज वन विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है और इसी अभियान के तहत ये बड़ी सफलता मिली है। डोली रेंज के टीम के द्वारा कल आज प्रातः लगभग 5 बजे और 6 बजे 2 वाहनों को अवैध लकड़ी का अभियान करते हुए सीज किया गया है। एक वाहन में था साल के गिल्टे ले आए जा रहे थे 11 गिल्टे और दूसरे वाहन में खैर के 15 गिल्टे ले आए जा रहे थे। तो वनकर्मी हर जगह तैनात हैं और मुखबिर की सूचना के आधार पर और नियमित रूप से गश्त के आधार पर भी वन विभाग के द्वारा कई वन अपराध दर्ज किए गए हैं और वाहनों को पकड़ा गया है। रुड़की में रामनगर की नई बस्ती में रहने वाली 2 बहनों के सर से उनके पिता का साया उठ गया था। किसी तरह मेहनत मजदूरी कर दोनों बहनें अपने पेट पाल रही थी, साथ ही अपनी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा दहेज का सामान इकट्ठा कर रही थी, लेकिन छोटा घर होने की वजह से उन्होंने अपनी शादी का सारा दहेज का सामान मकान की छत पर बने एक टीन शेड के नीचे रखा था। 2 महीने बाद ही इन दोनों बहनों की शादी होनी थी। वहीं आपको बता दें कि अचानक पटाखे की एक चिंगारी कहीं से आकर इनके सामान पर गिरी और सारा इकट्ठा किया हुआ दहेज का सामान कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। हमारे यहाँ कल पे हादसा हुआ है, ये मेरे जेठ का घर है और कल पता नहीं किसने आग लगाई, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, कल आग लग गई। दोनों लड़कियों का सामान था वो दो सारा जल चुका। शादी 2 महीने के बाद शादी थी, 1 महीना छोड़ा वाले महीने शादी थी और ये बहू है इनकी। अब नु बताओ, थोड़ी बहुत ही सरकार मदद कर सको तो क्या करो, अब लड़कियों की बात है, माँ बाप इनके सिर पर नहीं है। कितना नुकसान होगा? नुकसान 2 लाख के ऊपर पर ही हो रहा, 2-3 लाख के ऊपर। यहाँ पर अचानक से पटाखे की कोई चिंगारी आई और उस चिंगारी ने इनका बहुत बड़ा इनका नुकसान इतना हो गया कि भाई इन दोनों बहनों की शादी का जो सामान जुड़वा था लगभग 3-4 लाख रुपए का सामान था इनका, और इनकी इनके बिचारों के माँ बाप है नहीं तो इनकी बिचारी की शादी कैसे होगी। इन्होंने धीरे धीरे कर एक इनकी बहू है, इनकी भाभी है एक, और घर में इनकी फैमिली में कोई नहीं है, ताऊ चाचा है, वो सब अलग अलग हैं, इनका कोई साथ देने वाला नहीं है। 2022 के चुनाव करीब आते ही सियासी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। विधानसभा पिरान कलियर में आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी इंजीनियर शादाब आलम के नेतृत्व में गांव घोड़े वाला से लेकर भोरी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसके बाद लगभग 300 लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और दिल्ली के जंगपुरा के आप पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने एक जनसभा को संबोधित किया। उत्तराखंड में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में जनता से सहयोग की भी मांग की। जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम, चाहे वो कोई भी गली हो, चाहे गांव हो, चाहे वो कोई भी शहर हो, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब पूरे उत्तराखंड के हर एक गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और लोगों द्वारा जो रुझान दिया जा रहा है, लोगों द्वारा जो समर्थन आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के प्रभारियों को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया जा रहा है, वो काबिले तारीफ है और लोग इस समय पूरी तरीके से तैयार हैं आम आदमी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें भाजपा और कांग्रेस और उनके तमाम विधायकों द्वारा जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो लोगों को सिर्फ लूटने और लूटने का काम किया है। यहाँ पे अभी मैं कुछ दिन पहले शादाब आलम जी जो है वो एक वीडियो दिखा रहे थे अभी कुछ देर पहले, उस वीडियो में बता रहे थे कि वो किस तरीके से यहाँ पे पिरान कलियर में एक गस की लहरें जो है वो पानी में बह रही हों। देखिए, दिल्ली में तो जो भी विकास किया है आपने सब लोगों ने देखा है, और जो उत्तराखंड में किया जाएगा वो शायद काबिल-ए-तारीफ होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में
हमारी गवर्नमेंट के पास अधिकार थे, बट जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है यहाँ पर सारे ही अधिकार गवर्नमेंट के पास होंगे तो उसी आधार पर जो विकास होगा वो नंबर वन होगा और काबिल तारीफ होगा। ये हमारा भारतपुर भौरी है, यहाँ पे जो पूर्व प्रत्याशी हैं विधायक, पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं देवानंद जी, उन्होंने अपने सोयो समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। आज रुद्रपुर के गंगापुर रोड में स्थित ओम साई लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि अभी तक आग कैसे लगी इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। इसके साथ ही नुकसान का आंकलन भी नहीं हो पाया है। अब हम तो यहाँ आए तो आग जल रही थी जी, हमने तुरंत बुझाना शुरू किया जी। और उसको बुझा कंट्रोल किया, बल्कि हम अब तीन चार गाड़ियाँ पाँच गाड़ियाँ लगी थी जी। इनके मालूम करने पता चला कि इसमें कोई व्यवस्था भी नहीं है जी, और ना इनके कोई एनओसी की है। और सारी आग हम लोग कंट्रोल के बुझा दिए, और बल्कि इनसे पूछा जा रहा है कारण तो अभी ये भी नहीं स्पष्ट हो पा रहा कि आग लगी कैसे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।